शिक्षक कॉलोनी में स्थित करमेश्वर महादेव मंदिर पर भगवान शिव की 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत रस्म अदा की गई। टीचर्स कॉलोनी स्थित करमेश्वर महादेव मंदिर में 3 दिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसमें 17 तारीख को सुबह 7 बजे से कलश यात्रा का आयोजन किया गया। तत्पश्चात यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया। वहीं दूसरे दिन प्रातः कालीन हवन के पश्चात डॉक्टर मिथिलेश जी नागर की तरफ से सुंदरकांड व 56 भोग का कार्यक्रम रखा गया। तत्पश्चात आज सुबह प्रभात फेरी निकाली, उसके बाद यज्ञ कर अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता एवं हनुमान जी और भगवान राधे कृष्ण जी की मूर्ति का स्थापना की गई। 17 से 19 तारीख तक रहे कार्यक्रम। 17 तारीख को सुबह कलश यात्रा रही है सुबह 7 बजे, उसके पश्चात यज्ञ रहा है, हवन यज्ञ होते रहे। 18 तारीख को कल के दिन सुबह यज्ञ रहा, यज्ञ हवन होते रहे, उसके पश्चात शाम को मिथिलेश जी, डॉक्टर मिथिलेश जी नागर का सुंदरकांड और 56 भोग का कार्यक्रम था। आज 19 तारीख को सुबह प्रभात फेरी रही है, प्रभात फेरी निकली है, उसके पश्चात यज्ञ और फिर उसके बाद अब अभिजीत मुहूर्त में भगवान की प्रतिष्ठा की गई, राम भगवान और राधा कृष्ण जी पर, और उसके पश्चात प्रसाद। किन किन प्रतिमाओं का यहाँ पर स्थापना हुई? राम दरबार हुए हैं, राम लक्ष्मण सीता जी और दास हनुमान जी और राधा कृष्ण जी। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ी में धर्म के सुचारू रूप से बीजारोपण करने के लिए आज नीमच नगर में यहाँ करमेश्वर महादेव मंदिर एवं मनसापूर्ण बालाजी मंदिर जीर्णोद्धार समिति एवं शारदा महिला मंडल के संयुक्त तत्वाधान में ये 3 दिवसीय जो धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ है, ये निश्चित रूप से यहाँ राधा कृष्ण भगवान की मंगल प्रतिष्ठा एवं राम दरबार की पावन प्रतिष्ठा हुई है और प्रकांड विद्वानों के द्वारा या मंत्रोच्चार से जो 3 दिवसीय आयोजन है आज इसका समापन समारोह है और इस यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ यहाँ शिक्षक नगर कॉलोनी में आने वाली पीढ़ी इस देवस्थल के महत्व को समझे और हिंदू संस्कृति और भारत माता परम वैभव तक पहुँचे, इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ प्रतिष्ठा की गई है।